हेलो एवरीवन, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.6 क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्या बोला है? प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम। सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए पैरेललोग्राम होता क्या है। ठीक है, पैरेलल क्या होता है? एक क्वाड्रिलेटरल होता है मेरे पास, लेट मी मान लेता हूँ ये मेरा एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है कि इसकी अपोजिट साइड जो है वो क्या होती है, एक दूसरे के इक्वल होती हैं और पैरेलल भी होती हैं, यानी ए बी जो है वो डी सी के इक्वल भी है और पैरेलल भी है। सेकंड, ए डी जो है वो बी सी के इक्वल भी है और पैरेलल भी है, यानी इसके अपोजिट साइड के जो पेयर होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल भी होते हैं और पैरेलल भी होते हैं। ठीक है, इसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ए जो है सी के इक्वल होगा, बी जो है वो डी के इक्वल होगा। द थर्ड वन इज, इसके जो डायगोनल है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, यानी एक दूसरे को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इक्वल नहीं होते वो एक दूसरे के, लेकिन एक दूसरे को क्या करते हैं, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन पे क्या बोला है। इसलिए बोला है कि द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम। मेरे पास एक पैरेललोग्राम है, उसके जो डायगोनल, डायगोनल कौन कौन सा होगा मेरे पास, एक तो ए सी हो जाएगा और बी डी हो जाएगा। इन दोनों का स्क्वायर का सम जो है वो इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स साइड, इसकी जो साइड्स हैं उनके स्क्वायर के सम के इक्वल होगा, ये मुझे प्रूव करना है। तो गिवन में क्या है मेरे पास, यहां पे गिवन है सिंपल सा है, मेरे पास एक पैरेललोग्राम गिवन है, तो मैं लिख लेता हूं ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ये मुझे गिवन है। सिर्फ मुझे क्या प्रूव करना है, मुझे प्रूव करना है एज इट इज बोला है, ठीक है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल, इसके डायगोनल क्या है, ए सी और बी डी, इन दोनों का स्क्वायर और फिर उनका सम इक्वल होगा किसके, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स साइड, इसकी साइड कौन कौन सी मेरे पास, ए बी बी सी सी डी प्लस डी ए बोल सकता हूं, इन सब का स्क्वायर का सम के इक्वल होगा, ये मुझे क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, अब जहां स्क्वायर की बात होती है वहां मुझे पाइथागोरस थ्योरम याद आ जाती है। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम में मुझे क्या चाहिए, एक एंगल 90। तो क्या पैरेललोग्राम में कुछ 90 एंगल होता है, नहीं होता है। ठीक है, तो इसका मतलब मुझे क्या चाहिए, 90 का एंगल चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या हम क्या करेंगे, हम करेंगे कंस्ट्रक्शन क्या, द फर्स्ट वन, हम ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे डी सी के ऊपर। मैंने क्या किया, ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया डी सी के ऊपर, लेट मैं इसको बोल देता हूँ पी। तो फर्स्ट हमने क्या किया, ड्रॉ ए पी परपेंडिकुलर ऑन डी सी। मैंने क्या किया, ए पी परपेंडिकुलर किसके ऊपर किया, डी सी के ऊपर, फर्स्ट। सेकंड हम क्या करेंगे, इस पॉइंट डी से भी मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, कहाँ पे, इस पॉइंट डी से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा ऐसे। ठीक है, और ये इसको मैं प्रोड्यूस कर दूंगा। ठीक है, मैंने क्या किया, बी ए को प्रोड्यूस किया, लेट मी दिस पॉइंट इज क्यू, बी ए को प्रोड्यूस किया क्यू तक, और डी से मैंने क्या किया, इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो सेकंड एंड ड्रॉ डी क्यू परपेंडिकुलर ऑन बी ए, और साथ में लिखेंगे प्रोड्यूस्ड। ठीक है, मैंने क्या किया, डी क्यू एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया किसके ऊपर, जब मैंने बी ए को प्रोड्यूस किया तब, बी ए को इस तरह बढ़ाऊंगा तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। यहां पे आप ए बी मत लिख देना, ये गलती मत करना। ठीक है, वैसे ए बी और बी ए एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सिंपल। बट जब हम बात कर रहे हैं बी ए प्रोड्यूस की बात कर रहे हैं, बी ए प्रोड्यूस का मतलब होगा बी से ए की तरफ, मतलब मैंने इस साइड प्रोड्यूस किया, बी से ए की तरफ जाते हुए ऐसे प्रोड्यूस किया। ए बी प्रोड्यूस लिखूंगा, इसका मतलब ए से बी की तरफ जाके उस तरफ प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो यहां गलत हो जाएगा, ये चीज ध्यान रखना, बाकी सारा सही रहेगा। अब हम चलते हैं प्रूफ पे। तो प्रूफ पे इस टाइप के क्वेश्चन में हमने सीखी है कि एक साइड निकाल लो दूसरी अपने आप मिल जाएगी। ठीक है, यहां पे चाहिए ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, तो पहले ए सी स्क्वायर निकालते हैं। ए सी स्क्वायर कहां से मिलेगा, ये देखो आपका ए सी है, तो अगर मैं ये वाली ट्रायंगल ले लूं, ठीक है, ये 90 मतलब ये भी 90 है, इसके परपेंडिकुलर, तो यानी इन ट्रायंगल ए पी सी, क्या लूंगा मैं, इन ट्रायंगल ए पी सी, ए पी सी में एंगल पी मेरा क्या है, 90 डिग्री है। क्यों है एंगल पी मेरा 90 क्यों है, बिकॉज
AP is perpendicular on DC, AP जो है वो DC के ऊपर perpendicular है, तो अगर ये 90 है तो इसके सामने क्या होगा मेरा hypotenuse, यानी this is AC square plus, ये हो जाएगा मेरा AC square plus, आगे क्या होगा दो साइड AP, sorry this is AC square is equal to AP square plus this is PC square, ठीक है by Pythagoras theorem, किससे हो गया बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है AC स्क्वायर बिल्कुल सही है इज इक्वल टू AP स्क्वायर, इसका हम कुछ कर नहीं सकते, मैं एज इट लिख देता हूं प्लस, क्या हम इस PC के साथ कुछ चेंज कर सकते हैं, मैंने बोला था परपेंडिकुलर साथ हम कुछ नहीं कर सकते, ये मुझे चाहिए तो दो चीजों के साथ मैं कुछ नहीं कर सकता, बाकी बचा PC, ठीक है क्या PC को आप किसी दो साइड्स के सम या सबट्रैक्शन से लिख सकते हो, PC के बीच में कोई पॉइंट नहीं है, इसका मतलब ऐड तो नहीं होगा कुछ, इसका मतलब कुछ क्या होगा सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट होगा, तो ये देखो अगर मैं ये DC ले लूं और DC मुझे चाहिए भी क्योंकि पूरी साइड चाहिए मुझे इस पैरेललोग्राम की, तो अगर DC में से मैं ये DP माइनस कर दूं, क्या माइनस कर दूं ये DP, यानी इस पूरे DC में से मैं ये DP अगर निकाल दूं क्या बचा मेरे पास PC, यानी इस PC को मैं क्या लिख सकता हूं DC पूरा माइनस DP और होल स्क्वायर मेरा एज इट इज रहेगा, होल स्क्वायर का होल स्क्वायर एज इट इज मेरा रहेगा, इसको सिंप्लीफाई करते हैं दिस बिकम एसी स्क्वायर इज इक्वल टू एपी स्क्वायर प्लस, ये आपकी आइडेंटिटी लगेगी फिर से क्या होता है ए माइनस बी होल स्क्वायर, क्या होता है दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, लगा दो एसी मतलब डीसी का स्क्वायर प्लस डीपी का स्क्वायर माइनस टू डीसी इनटू डीपी, मैंने क्या कर दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी की आइडेंटिटी लगा दी, ठीक है अब मैं कुछ कर सकता हूं, अब देखो यहां पे एपी स्क्वायर कौन सा है ये रहा डीपी स्क्वायर, ये देखो इस डीसी को तो मुझे चाहिए क्योंकि डीसी मेरी पूरी साइड है, देखो मुझे प्रूफ में भी डीसी यानी सीधी मुझे चाहिए, ठीक है तो डीपी स्क्वायर और एपी स्क्वायर, डीपी स्क्वायर और एपी स्क्वायर, इस पूरे को मैं क्या लिखता हूं एपी स्क्वायर प्लस डीपी स्क्वायर, इसको मैं लिखता हूं ए डी का स्क्वायर या डी ए का स्क्वायर लिख सकता हूं, ठीक है तो पहले हम कर लेते हैं एंड इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल है हमारी ए पी डी, इन ट्रायंगल ए पी डी एंगल पी क्या है 90 डिग्री है, तो देयर फोर मैं बोल सकता हूं पी के सामने क्या है ए डी, यानी मैं इसको डी ए लिख दूं चाहे ए डी लिख दूं, डी ए स्क्वायर किसके इक्वल होगा बाकी दो साइड यानी एपी स्क्वायर प्लस डीपी स्क्वायर, यानी एपी स्क्वायर प्लस डीपी स्क्वायर के इक्वल बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूं इस एसी स्क्वायर को मैं एज इट इज रखता हूं प्लस एपी स्क्वायर और डीपी स्क्वायर, एपी स्क्वायर प्लस डीपी स्क्वायर क्या लिख सकता हूं मैं दिस इज डी ए स्क्वायर सॉरी दिस इज इक्वल टू डी ए स्क्वायर प्लस बाकी क्या बचा मेरे पास DC का स्क्वायर और माइनस टू डी सी इन टू डी पी, यहां तक कोई दिक्कत इस स्क्वायर में निकाल लिया डी ए और डी सी, देखो दोनों चाहिए मुझे, ये पूरी साइड है पैरेललोग्राम की, ये भी मुझे चाहिए, ये भी मुझे चाहिए और ये भी मुझे चाहिए, ये मुझे नहीं चाहिए लेकिन अभी मेरे पास इसका कोई सोल्यूशन भी नहीं है तो इसको मैं एडिट रखता हूं, इसको मैं बनाता हूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्या बनाया मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है एसी स्क्वायर हमने निकाल लिया, अब हम चलते हैं बीडी स्क्वायर की तरफ, बीडी स्क्वायर कहाँ से मिलेगा कौन सी ट्रेंगल से मिलेगा, ये मेरा है पूरा बीडी और ये पॉइंट यहाँ बना रहे 90 डिग्री, इसका मतलब मुझे ये पूरी बड़ी ट्रेंगल लेनी पड़ी, कौन सी ट्रेंगल बी डी क्यू, तो मैं लिखूंगा इन ट्रेंगल, इन ट्रेंगल बी डी क्यू, बी डी क्यू इसके अंदर क्या है डी क्यू इज परपेंडिकुलर ऑन बी ए प्रोड्यूस्ड, इसके ऊपर क्या है परपेंडिकुलर, तो देयरफॉर एंगल क्यू क्या है मेरा 90 डिग्री, ठीक है एंगल क्यू क्या है 90 डिग्री, या फिर ये लिख दो इसका रीजन ये लिख दो, ठीक है एंगल क्यू अगर 90 है तो क्यू के सामने कौन सी है इस ट्रायंगल में मेरी बी डी, यानी दिस इज बी डी स्क्वायर किसके इक्वल होगा बाकी दो साइड यानी डी क्यू स्क्वायर प्लस बी क्यू स्क्वायर के इक्वल होगा, क्यों होगा बाय पाइथागोरस थ्योरम, किससे होगा बाय पाइथागोरस थ्योरम से होगा, बी डी स्क्वायर मुझे चाहिए तो मैं इसको एज इट इज रखता हूं इज इक्वल टू डी क्यू स्क्वायर, इसका मैं अभी कुछ नहीं कर सकता, इसको भी मैं एज इट इज रखता हूं प्लस बी क्यू, बी क्यू क्या है
क्या बी और क्यू के बीच में कोई पॉइंट है? हाँ ए पॉइंट है, तो क्या मैं इसको क्या लिखूंगा, दिस इज बी ए प्लस ए क्यू, ए क्यू प्लस ए बी लिख सकता हूं मैं इसको, यानी दिस प्लस दिस क्या बन जाएगा, पूरी बड़ी साइड। ये पूरी बड़ी साइड कैसे बनेगी, अगर मैं इसको और इसको ऐड कर दूं तो बन जाएगा। तो इस बी क्यू को क्या लिख सकता हूं मैं, दिस इज ए बी प्लस ए बी ये वाली प्लस दिस इज ए क्यू और होल स्क्वायर मेरा एज इट इज रहेगा। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं, दिस इज बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू डी क्यू स्क्वायर मेरा एज इट इज प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, क्या होगा प्लस टू ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए इंटू बी, ये हो गया आपकी आइडेंटिटी। ठीक है, अब यहां पे भी देखो डी क्यू स्क्वायर ये रहा प्लस ए क्यू स्क्वायर, देखो ए बी मुझे चाहिए, ए बी पूरी साइड है इसकी, ये मुझे चाहिए तो इसको छेड़ना नहीं है, ए क्यू स्क्वायर ए क्यू कहां है, दिस इज ए क्यू स्क्वायर, यानी अगर मैं इन दोनों को मिला दूं क्या होगा, मेरे पास है डी, दिस पॉइंट इज डी, डी क्यू स्क्वायर प्लस ए क्यू स्क्वायर, ये मिलकर क्या बना देंगे, ये 90 डिग्री है, इन दोनों से क्या बनेगा, दिस इज ए डी, यानी मैं कौन सी ट्रायंगल ले सकता हूं फिर से, इन ट्रायंगल ए डी क्यू, इसमें क्या है एंगल क्यू क्या है मेरा 90, अगर एंगल क्यू 90 तो क्यू के सामने क्या है एडी, तो दिस बिकम एडी स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, दिस इज डी क्यू स्क्वायर एंड ए क्यू स्क्वायर, दिस इज डी क्यू स्क्वायर ए क्यू स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम अगेन। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से तो अब मैं इसकी वैल्यूज यहां पुट कर देता हूं, तो दिस इज योर बी डी स्क्वायर, मैं लिखूंगा देयर फोर बी डी स्क्वायर एज इट इज, और डी क्यू प्लस ए क्यू, डी क्यू प्लस ए क्यू इसको क्या लिख दूंगा मैं, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस ये मेरा ए बी स्क्वायर एज इट इज रहेगा और प्लस में ट्वाइस ऑफ ए बी इंटू ए क्यू, ये बन गई इक्वेशन नंबर टू। सिंपल सा था, फर्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में मैंने ये वाली ट्रायंगल ली, ठीक है, और उसमें क्या हुआ था मेरा, ये जो पोर्शन बना ये दो का सब्ट्रैक्शन बना। ठीक है, सेकंड में मैंने पूरी बड़ी ट्रायंगल ली और ये वाला जो पोर्शन बना दो का सम बना और उसको मैंने जस्ट सिंप्लीफाई कर दिया तो मुझे ये दो रिजल्ट मिल गए यहां से। ठीक है, मुझे चाहिए ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ठीक है, तो मैं स्टार्टिंग वाला पोर्शन रब कर रहा हूं, ये दोनों रिजल्ट हमें रखने हैं क्योंकि इन दोनों की अभी हमें जरूरत है। ठीक है, तो मैंने ए सी स्क्वायर निकाल लिया, मैंने बी डी स्क्वायर निकाल लिया और मुझे अब इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, मुझे दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, तो एडिंग वन एंड टू मैं क्या करूंगा, वन प्लस टू करूंगा, यहां पे हमें क्या मिलेगा देखो, फर्स्ट क्या है, दिस इज ए सी स्क्वायर, इसका लेफ्ट हैंड साइड बी डी स्क्वायर, ये मुझे पता होना चाहिए कि जब भी मैं दो चीजें ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड को करना है, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड को ऐड करना है। ठीक है, तो ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर के सामने राइट हैंड साइड क्या है मेरी, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में कर दिया, राइट हैंड साइड क्या है, दिस इज डी ए स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर प्लस सॉरी दिस माइनस टू डी सी इंटू डी पी। ठीक है, प्लस करेंगे तो प्लस ए डी स्क्वायर, मैंने ए डी लिखा हुआ है वहां पे, तो इसको मैं देखो अब ए डी और डी ए में कोई फर्क है, ए डी और डी ए देखो ये मेरा ए डी है और यही मेरा क्या है डी ए, तो मैं इसको ए डी भी लिख सकता हूँ या डी ए भी लिख सकता हूँ, तो हमने ए डी लिख दिया, यहाँ हमने डी ए लिखा हुआ है, तो किसी एक को चेंज कर लो। ठीक है, तो मैं इसी को डी ए लिख देता हूँ यहाँ पे डी ए स्क्वायर। ठीक है, आप यहाँ लिख के भी चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो दिस इज योर डी ए स्क्वायर प्लस क्या होगा ए बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी इंटू ए क्यू। ठीक है, अब मैं कर रहा हूं इसको रब कर देता हूं, अब देखो मुझे क्या चाहिए, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर एक साइड मुझे मिल चुकी है, इस साइड में देखो ए बी स्क्वायर मुझे मिल चुका है, बी सी स्क्वायर मुझे नहीं मिला अभी तक, सी डी स्क्वायर या डी सी स्क्वायर एक ही बात है ये भी मुझे मिल चुका है, डी ए मुझे मिल चुका है लेकिन डी ए मुझे दो बार मिल गया। ठीक है, डी ए क्या मिल गया मुझे दो बार मिल गया। ठीक है, तो हमें पता है कि इन्हें पैरेललोग्राम ए बी सी डी क्या है मेरा पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं इक्वल होती हैं, तो मैं बोल सकता हूं
कि अपोजिट साइड मतलब ए बी के सामने क्या डी सी, तो मैं बोल सकता हूं ए बी जो है वो इज इक्वल टू डी सी एंड ए डी जो है ए डी या डी जो मैंने लिखा है डी ए जो है वो किसके इक्वल है इज इक्वल टू बी सी। क्यों है? बिकॉज ए बी सी डी से पैरेललोग्राम लिख दो या फिर लिख दो अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो देयरफॉर मैं क्या कर सकता हूं, इस डी ए को एद्रीज रहने देते हैं, एक डी ए को मैं बी सी लिख लेता हूं। देखो बी सी मिसिंग है मेरा, मुझे एक डी ए तो चाहिए तो मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे डी चाहिए इससे भी कोई दिक्कत नहीं, एज लिखते हम दिस इज, तो देयरफॉर ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है इज इक्वल टू, इस डी ए स्क्वायर को मैं एज रखता हूं प्लस, डी सी स्क्वायर भी मुझे चाहिए इसको भी मैं एज इट इज रखता हूं माइनस, दिस इज टू डी सी। देखो डी सी किसके इक्वल है ए बी के, तो यहां डी सी है यहां भी ए बी है, तो मैं इसको 2ab लिख देता हूं, लिख सकते हैं क्योंकि dc और ab क्या है इक्वल है, तो मैं लिख दिया n2 dp, ठीक है प्लस। अब देखो यहां पे मुझे da स्क्वायर चाहिए तो मैंने लिख दिया मुझे d स्क्वायर एक ही चाहिए, दूसरा नहीं चाहिए, मुझे bc चाहिए, लेकिन d किसके इक्वल है bc के, तो क्या मैं इस da को bc लिख सकता हूं? बिल्कुल लिखते हैं, तो इसको मैंने लिख दिया bc स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर मेरे एज इट इज और प्लस में ट्वाइस ऑफ ab इनटू d सॉरी ए क्यू, ठीक है। अब देखो मुझे प्रूफ में चलते हैं, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर यहां तक ठीक है इक्वल टू ए बी स्क्वायर मेरे पास है प्लस बी सी स्क्वायर मेरे पास है प्लस सी डी स्क्वायर या डी सी स्क्वायर मेरे पास है प्लस डी ए स्क्वायर मेरे पास है, ठीक है। यानी मेरा प्रूफ तो हो चुका है लेकिन मेरे पास ये दो चीजें एक्स्ट्रा है, ठीक है, एक माइनस है एक प्लस है, इसका मतलब ये दोनों क्या होने चाहिए एक दूसरे से कैंसिल आउट होनी चाहिए, एलिमिनेट हो जानी चाहिए दोनों चीजें। कैसे होगी? देखो टू है यहाँ भी टू है, ठीक है, यहाँ ए बी है यहाँ भी ए बी, ये भी ठीक है, यहाँ डी पी है यहाँ पे ए क्यू है, डी पी मतलब ये वाला पोर्सन, ए क्यू मतलब ये वाला पोर्सन, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को इक्वल कर दूं, अगर मैं इन दोनों को इक्वल कर देता हूं तो मेरा क्या ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और मुझे जो रिजल्ट चाहिए डिजायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा। अब वो देखो कैसे इक्वल करते हैं। ठीक है, ए बी जो है डीसी के पैरेलल है, ठीक है, ए बी जो है वो डीसी के पैरेलल है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ए क्यू जो है वो डीपी के पैरेलल होगी, ए क्यू इज पैरेलल टू डीपी, ए क्यू जो है वो डीपी के पैरेलल होगी, बिल्कुल होगी, क्यों होगी? बिकॉज ए बी जो है वो डीसी के पैरेलल है, ठीक है, इतना रीजन दे दो इनफ है, क्योंकि ये इसका प्रोड्यूस पार्ट है और ये भी इसी का पार्ट है, ठीक है। तो दो लाइंस अगर मेरी पैरेलल हो, ठीक है, तो इनके पार्ट भी क्या होंगे? पैरेलल होंगे मेरे, ठीक है, ये मेरे क्या हो जाएंगे? दो साइड्स पैरेलल। और क्या डी क्यू जो है, डी क्यू मतलब ये इज पैरेलल टू पी ए होगा, क्या जो डी क्यू है वो पी ए के पैरेलल होगा? बिल्कुल होगा, क्यों होगा? Perpendicular on parallel line, ठीक है, ये दोनों क्या है? Perpendicular है, यानी मेरे पास दो parallel lines हैं। अगर मैं इन दोनों पे क्या करता हूं? Perpendicular draw करता हूं, ठीक है, किसी एक पे कर लो चाहे दोनों पे कर लो, ठीक है, जैसे मैंने ये क्या किया, ये इस पे किया, ये इस पे किया, ठीक है, तो ये अगर parallel है तो ये भी क्या होगी, ये 90 है तो ये भी 90 होगा, ठीक है, sum of interior angle हो जाएगा मेरा, ठीक है, तो 90 हो जाएगा, ठीक है, तो ये 90 है तो ये भी 90 होगा मेरा, ठीक है, अल्टीमेटली, ठीक है, तो अगर ये 90 है ये 90 है तो ये अगेन मेरा क्या 180, सम ऑफ कोइंटीरियर एंगल हो गया मेरा 90, इसका मतलब ये लाइन इसके भी पैरेलल होगी। तो डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि अगर दो पैरेलल लाइंस हैं उनके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो वो जितनी भी लाइन आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे वो सारी एक दूसरे के क्या होगी? पैरेलल, ठीक है, तो मैं सिंपली बोल सकता हूं ये पैरेलल। अब देखो ये लाइन जो है इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है, इसका मतलब ये क्या है? पूरा मिनिमम पैरेललोग्राम। तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूं डी पी ए क्यू इज ए पैरेललोग्राम, इसे पैरेललोग्राम, ये चीजें हमने नाइन्थ में कर चुके हैं हम लोग, ठीक है, कि हमें पैरेललोग्राम प्रूव करना होता था। पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए क्या करना होता था? या तो इनके अपोजिट साइड को क्या कर दो, हम क्या करते थे, इसको अपोजिट पेयर जो है उनको पैरेलल प्रूव कर दो, इक्वल प्रूव कर दो, या फिर किसी भी एक पेयर को पैरेलल और इक्वल प्रूव कर दो, तो हम पैरेललोग्राम प्रूव कर देते थे, ठीक है। तो डिफरेंट जितनी मैंने प्रॉपर्टी आपको क्वेश्चन के स्टार्टिंग में बताई थी उनमें से
कोई भी एक प्रॉपर्टी यूज करके आप क्या कर सकते हो, इसको पैरेललोग्राम प्रूव कर सकते हो। तो हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की कि हमने अपोजिट पेयर को क्या कर दिया, पैरेलल प्रूव कर दिया। पैरेलल अगर ये है तो इसका मतलब ये पैरेललोग्राम है, और मैंने ये भी बताया था अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसके अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल। तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूं कि दिस डीपी, ये जो डीपी है इज इक्वल टू किसके होगी, ए क्यू। क्यों होगी? अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम ऑफ ए पैरेललोग्राम, ठीक है, अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम। लेट मैं इसको बोल देता हूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, सॉरी फर्स्ट और सेकंड हम कर चुके हैं, तो इसको बनाते हैं थर्ड, इक्वेशन नंबर थ्री, ठीक है। अब इसको मैं एज इट लिखता हूं, देयरफॉर मैं बोल सकता हूं ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, इसको मैं रीअरेंज करके लिख रहा हूं, ए बी स्क्वायर को मैं आगे लेके जा रहा हूं, दिस इज ए बी स्क्वायर, क्योंकि ये हमें पता है कि अगर मैं 1 प्लस 2 प्लस 3 लिखता हूँ तो इसको मैं 3 प्लस 2 प्लस 1 भी लिख सकता हूँ, या 3 प्लस 1 प्लस 2 भी लिख सकता हूँ, 2 प्लस 1 प्लस 3 भी लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, डिजायर्ड रिजल्ट मेरा हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो सेम मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ए बी स्क्वायर को मैं आगे ले गया प्लस, फिर मुझे चाहिए बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस नेक्स्ट क्या है मेरा, डी सी चाहिए, तो मैं इसको डी सी को सी डी स्क्वायर लिख देता हूँ प्लस डी ए स्क्वायर, ठीक है। क्या हो गया, ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर, इन चारों को जो मुझे चाहिए था रिजल्ट वो लिख दिया। बाकी दो चीज़ें भी मेरे पास क्या बची, एक तो ये इसको लेंगे माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी इन टू, इस डी पी को मैं क्या लिख रहा हूँ, ए क्यू, डी पी को क्या लिख रहा हूँ, ए क्यू, ठीक है, और ये एज इट इज प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी ए क्यू, ये मेरे पास था, यहाँ पर लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन थ्री, क्वेश्चन थ्री से आ जाएगा, ठीक है। अब इस पूरे से ये पूरा कैंसिल आउट, क्या बचा मेरे पास, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा सा लेंथी था क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। तो अभी के लिए थैंक यू।